चुके हैं सियोलिम, फिर नॉर्थ गोवा की एक जगह है सियोलिम, तो यहीं पे हमने अपना एयरबीएनबी के थ्रू स्टे करा है। और मैं एक रूम टूर दे देती हूँ, और वैसे इसका प्रॉपर्टी का ही टूर दे देती हूँ आपको। ड्राइंग रूम बोल सकते हैं इसको। एंड हमने जो स्टेयर्स के ऊपर है, हमारा रूम है स्टेयर से ऊपर। जब आप एंटर करते हैं तो ये लिविंग रूम कम ड्राइंग रूम जो आप बोलेंगे वो है। देन आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे तो पहले जो रूम पड़ेगा उसी में हम स्टे कर रहे हैं। टाइम पास के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने की। नीचे आपने देखा होगा ड्रम्स वगैरह हैं, एंड शाम की चाय वगैरह आपने कुछ लेनी है तो ये स्विंग है, इसे बैठ के मजे लीजिए और चाय पीजिए। और इसी के राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड बालकनीज है। हम थोड़ा सा एक क्विक रूम टूर दे देते हैं आपको। प्रॉपर्टी का टूर तो हम दे चुके हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट रूम है, और इसके बाद है सेकंड रूम। ये रूम नाइस एंड कोजी बेड। देखिए देखते ही आपको रेस्ट करने का मन कर रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद है ये बालकनी रूम में। ब्यूटीफुल सा लैम्प है, आपको दिख पा रहा है नहीं पता नहीं, वीडियो में कैप्चर हो रहा है नहीं। एक कैसेट्स आती थी पहले के टाइम पे, उससे बना हुआ है ये पूरा। ये देखिए बोर हो जाएंगे तो बुक्स हैं आपके पास बहुत पड़ी हुई यहाँ पे, नीचे भी हैं
यहाँ भी है, और नहीं तो बाहर के नज़ारे का मज़ा लीजिए। यहाँ पर सिटिंग के लिए दिए हुए हैं दो, मुझे बहुत पसंद आया इसके, जैसे दो उसमें किए हैं और वैसे देखो इंडिगो कलर किया हुआ है पूरा। और इसको बंद कर सकते हैं और देखिए इससे एक अलग फील आता है। और मैं अब वक्त तो दिखा देती हूँ यहाँ का वॉशरूम कम बाथरूम। पढ़ ही रहे होंगे आप, डू समथिंग ऑसम टुडे। मुझे कुछ कुछ यहाँ से जैसे अभी बात कर रही लास्ट में भी बीच दिखा के आपको बोहेमियन वाइब्स यहाँ ही आ रही है मुझे जहाँ पे हम स्टे कर रखा है हमने। हमारे वाले रूम से थोड़ा छोटा है, बाथरूम में आपको बाथटब भी नहीं मिलेगा, बट छोटा सा क्यूट सा रूम है। यह इसका वॉशरूम बहुत छोटा है और बालकनी से भी कोई व्यू नहीं है।